नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइन खान और मैं इस चैनल के अंदर सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का, अपने प्यारे प्यारे भाइयों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों और मेरी प्यारी माता बहनों, कौन पत्नी चाहती है कि उसका पति किसी पराई स्त्री के पास चला जाए? कौन पति चाहता है कि उसका उसकी पत्नी किसी पराए मर्द के पास चली जाए? कौन पति या पत्नी ऐसा चाहते हैं कि उसका जो पार्टनर है वो उसको छोड़कर चला जाए? या कोई प्रेमिका ऐसा चाहती है कि उसका प्रेमी उसको छोड़कर चला जाए, वो किसी और औरत के पास या किसी स्त्री के पास जा कर के चला जाए या उसको भूल जाए? कौन प्रेमी चाहता है कि उसकी प्रेमिका उसको छोड़ दे, उसको भूल जाए, किसी दूसरे के साथ ताल्लुकात बना ले, किसी दूसरे से प्यार करने लगे? तो दोस्तों, यदि आपके बीच भी अगर कुछ ऐसा हुआ है, आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका या फिर पति पत्नी के बीच में कोई भी जिसका प्यार उनसे अलग हो गया है, उनसे बिछड़ गया है, किसी की पत्नी रूठकर चली गई है, मायके चली गई है, आने का नाम नहीं लेती, आने को ही नहीं कह रही है, या उसका किसी मर्द के साथ चक्कर है, वो उसके साथ खुश है और जो पति है, पति परेशान है, तो पति इस उपाय को उसको वश में करने के लिए, उसका वशीकरण करने के लिए इस उपाय को कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक ऐसा वशीकरण जो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, जिसको आपको करने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, पर 5 मिनट में ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका पति किसी पराई स्त्री से चक्कर में आ गया है, उससे बात करता है और आप उसको वो छुड़ाना चाहते हो, अपने वश में करना चाहते हो उसको, तो उसका वशीकरण करके आप ऐसा कर सकते हो। या कोई प्रेमिका, उसका प्रेमी उसको भूल गया है, उसको छोड़कर चला गया, उससे दूर चला गया, किसी दूसरी प्रेमिका के चक्कर में आकर के फंस गया है, तो प्रेमिका इस उपाय को करके उसको वशीकरण करके उसको वापस कर सकती है अपनी ज़िंदगी में। वो फिर उससे ही बात करेगा, उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, उससे प्यार करेगा। या कोई भी जिसका भी आप जिसको अपने वश में करना चाहते हो अच्छे काम के लिए, तो आप इस उपाय को ध्यान से देखिए। ये उपाय आप सिर्फ 5 मिनट लगेंगे करने में और वो हमेशा आपके वश में हो जाएगा, जिस इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हो। अब आपको करना क्या है, किस किस सामान की ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी? आपको एक छोटी सी कांच की शीशी की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके की। अब आपको करना क्या है, एक कोई भी पेन या पेंसिल कुछ भी चलेगा। अब आपको एक इतना बड़ा, ये देख सकते हो आप, 2 उंगली के इतना ही बड़ा पेपर आपको लेना है। आपको अगर कांच की शीशी बड़ी मिल जाए तो बड़ी भी ले लेना, छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको उस इंसान का नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो। उसका नाम सुभाष है या आपका प्रेमी है, तो उसका नाम आपको लिखना है। यहां आपने सुभाष लिख दिया, ठीक है, बहुत आसान है। आपने इससे आसान पूरे YouTube पर नहीं देखा होगा, ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ नाम लिख करके आपको इसके अंदर डालना है और आपका वशीकरण पूरा हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है, 5 मिनट में आप इसको कर लोगे और काम फाइनल आपका। सुभाष जिसको वश में करना है, फिर जो वश में कर रहा है उसका नाम लिखना है, उसका नाम नेहा है, उसकी प्रेमिका है नेहा, जो सुभाष को अपने वश में करना चाहती है, ताकि सुभाष इसकी कहने पर चले, इसकी बात माने और जैसा वो कहे वैसा करे। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर एक मैं मंत्र बताऊंगा आपको, उस मंत्र का आपको जाप करना है और मंत्र लिखना भी आपको। ओम प्री
क्री, इस तरीके से आपको मंत्र लिखना है क्री। उसके बाद यहाँ पर लिखना है उसका नाम सुभाष का, तो सुभाष का वशीकरण जिसका करना है उसका नाम सुभाष वश्यम, वश्यम नेहा, नेहा कुरु, कुरु आपको अच्छे से लिखना है कुरु कुरु। स्वाहा, इस तरीके से आपको लिख लेना है। मंत्र आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। इसके बाद आपको अच्छे से देखना है ओम क्री क्री, यहाँ पर जिसको वश में करना चाहते हो उसका नाम सुभाष वश्यम नेहा, फिर जो कर रही है उसका नाम कुरु कुरु स्वाहा। अब आपको जो ये आपको दिख रही है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें कांच की शीशी, के बाद इसको पेपर को आपको फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसकी शीशी के अंदर आपको डाल देना है इस तरीके से। अब जो इसकी ढक्कन होता है उसको आपको लगा देना है इस तरीके से। ढक्कन मजबूत होना चाहिए, ये भी मजबूत है, इसके अंदर से आसानी से निकलता है ये। इसके बाद जैसे आप इसके अंदर इसको डाल दोगे, इसको आपने देखा होगा किसी भी समुंदर वगैरह होता है, नहर होता है, रुका हुआ पानी, चलता हुआ पानी, बस गंदा ना होना चाहिए वो, उसके अंदर आपको इसको डाल देना। जैसे ही आप इसको डालोगे तुरंत वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, आपके बिना रह नहीं पाएगा, उसके नाम से, आपके नाम से उसका वशीकरण हो जाएगा और वो आपकी बात मानेगा, आपके पास जरूर आएगा, अगर दूर होगा तो आपके पास कॉल जरूर करेगा, आपकी बात मानेगा, ये आपका वशीकरण पूरा हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपको इस उपाय की जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो, या आपको कुछ करना हो, या कुछ परेशानी, आपको कुछ समझना हो, तो बेझिझक होकर के निसंकोच आप दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये सब हम आपकी मदद के लिए ही लाते हैं। तो आपको अगर इसमें कहीं भी कुछ परेशानी, या कुछ आपको कहीं और भी कुछ आपको जानना हो, आपको कुछ परेशानी हो जिसका समाधान आपको जानना हो, कुछ भी परेशानी आपकी, तो दिए हुए नंबर पर आप इसकी परेशानी की जो समाधान है वो जान सकते हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।